हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, एकता कपूर का शो नागिन 6 बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। शो को अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं और आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं नागिन के सभी कलाकारों की फीस और कौन सा है हाईएस्ट फी टेकर, यानी कि किसको मिल रहे हैं सबसे ज्यादा पैसे, ये भी बताएंगे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वो तेजस्वी नहीं कोई और हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं शो के हीरो सिम्भा नागपाल से। सिम्भा, जो कि शो के अंदर ऋषभ गुजराल का किरदार निभा रहे हैं, सिम्भा हर एपिसोड के 1,00,000 रुपए एकता कपूर से चार्ज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा नाम आता है टीवी की ही बड़ी एक्ट्रेस महक चहल का। महक चहल शो में आप सभी को नजर आ रही हैं नागिन के किरदार में। खबरों की माने तो महक आगे चलकर आप सभी को नेगेटिव नागिन के रोल में नजर आएंगी, पर महक की भी फीस कम नहीं है। महक भी सिम्भा जितना ही चार्ज कर रही हैं। महक की फीस है 1,00,000 रुपए पर एपिसोड। अब बात करते हैं शो के विलन उर्वशी ढोलकिया की। उर्वशी ढोलकिया, जो कि अभी तो इंसानी रूप में ही नजर आ रही हैं, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सा रंग दिखाए, पर उर्वशी ढोलकिया लेती हैं 1 एपिसोड के 50,000 रुपए। और अब बात करते हैं तेजस्वी प्रकाश की। वो तेजस्वी प्रकाश जो शो में सर्वश्रेष्ठ नागिन का किरदार निभा रही है, ये ऐसी वैसी नागिन नहीं, 1,000 साल में 1 बार आती है। सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन प्रथा के किरदार के लिए तेजस्वी ले रही हैं एकता कपूर से हर एपिसोड के 2,00,000 रुपए। लेकिन तेजस्वी पर भी भारी पड़ रही हैं टेलीविजन की सीनियर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सुधा चंद्रन शो के अंदर सीमा गुजराल का किरदार निभा रही हैं और सुधा चंद्रन लेती हैं पर एपिसोड के 3,00,000 रुपए, यानी कि तेजस्वी से पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए ज्यादा। वेल, आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।